संसद के नए भवन के 28 मई को उद्घाटन के साथ एक और शब्द बहुत चर्चा में है और वो है सेंगोल। राजदंड या सेंगोल का तमिल में मतलब इंसाफ है। तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। तमिलनाडु के एक अधीनम यानी मठ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के बैठने की जगह के पास देखा जा सकेगा। सवाल ये कि जैसा कि मौजूदा सरकार दावा कर रही है, क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वाकई सेंगोल को भारत में अंग्रेजों से सत्ता के ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर कबूला था या सिर्फ एक उपहार के नाते ऐसा किया था? क्या 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों ने वाकई नेहरू को इसे सौंपा था? सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। दो तमिल महाकाव्यों सिलप्पदिकरम और मन्नी मेलाई में सेंगोल का जिक्र आता है। ये भी कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने सेंगोल पर अध्ययन किया था। उन्होंने ही नेहरू को चोल साम्राज्य की परंपरा का हवाला देते हुए बताया था कि राज्याभिषेक के समय राजा को राजदंड यानी सेंगोल सौंपा जाता था। मौजूदा सरकार के सेंगोल को लेकर दावों से हालांकि कुछ इतिहासकार अलग राय रखते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के एडिटर प्रोफेसर माधवन प्लाट का कहना है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अंग्रेजों ने इसे नेहरू को दिया और नेहरू ने इसे कबूल किया। प्रोफेसर प्लाट के मुताबिक पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा होता तो अंग्रेज जरूर इसका प्रचार करते। वहीं दूसरी बात ये कि ऐसी संभावना कम थी कि नेहरू किसी औपनिवेशिक देश से सत्ता के ऐसे किसी प्रतीक को स्वीकार करते। उन्होंने ऐसा किया भी होगा तो सीधे केवल भारत की जनता, संविधान सभा, संविधान या इसके समकक्ष किसी संस्था से ही किया होगा। दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुराई कृष्णन का कहना है कि नेहरू घोर लोकतंत्रवादी थे और राजशाही के प्रतीक राजदंड जैसी परंपरागत चीजों में उनकी कतई दिलचस्पी नहीं होगी। संभवतः इसलिए उन्होंने सेंगोल को तब इलाहाबाद म्यूजियम भिजवा दिया था। प्रोफेसर प्लाट का ये भी सवाल है कि अगर तमिल मठ के मुखिया की ओर से नेहरू को सत्ता के सिंबल के तौर पर ऐसा कुछ सौंपा भी जाता तो उस मठ को ऐसा करने का क्या लोकतांत्रिक अधिकार था? सिर्फ एक मठ या एक ज्वेलर के कहे कभी सच मान लेने का औचित्य क्या है? इसका कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड भी कहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिस तरह का पब्लिक सपोर्ट हाल में देखने को मिला, ऐसा पहले पाकिस्तान के इतिहास में किसी नेता के लिए देखने को शायद ही मिला हो। लेकिन जिस तरह से इमरान खान की पाकिस्तान फौज के चीफ जनरल मुनीर से ठनी हुई है, उनका अब सत्ता में लौटने का रास्ता मुश्किल दिखता है। 2019 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इमरान खान ने तत्कालीन जनरल कमर अहमद बाजवा से कहकर मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटवा दिया था। ऐसे में वो अपमान का घूंट भला कैसे जनरल मुनीर भूल सकते हैं? बताया जाता है मुनीर ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी के कथित भ्रष्टाचार का चिट्ठा जुटा रखा था। आईएसआई चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का ही रहा। उस वक्त इमरान को क्या पता था कि आगे चलकर मुनीर ही पाकिस्तानी फौज के चीफ बन जाएंगे। इमरान ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली कमजोर सरकार को तो मात दे सकते हैं, लेकिन फौज के जनरल से पार पाना आसान नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई से इमरान के कट्टर वफादार नेता एक के बाद एक किनारा करते जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान की मेडिकल रिपोर्ट में उनके दिमाग को अस्थिर, ब्लड सैंपल में कोकीन और अल्कोहल के कॉकटेल जैसी चीज की कथित मौजूदगी को प्रचारित किया जा रहा है, उससे लगता यही है कि इमरान को चुनाव में उतरे बिना ही सियासी तौर पर निपटाने के प्लान पर काम हो रहा है। इमरान का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट में शिरीन मजारी, मलिका बुखारी। मैं तहरीके इंसाफ से रिजाइन करती हूँ, इस्तीफा देती हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा, फवाद चौधरी, मलिक अमीन असलम, आमिर कयानी, फैजुल्ला कामुका, चौधरी हुसैन इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन, अली जैदी और खुसरो बख्तियार शामिल हैं। पीटीआई के महासचिव असद उमर ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पीटीआई के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही पार्टी में इस्तीफों का यह दौर शुरू हुआ।
इस्तीफा देने वाले सभी नेता वजह एक ही बता रहे हैं कि 9 मई को जिस तरह इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए उसे वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या इमरान की इस बैकबोन तोड़ने के पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान फौज के जनरल मुनीर ही हैं? स्लॉग ओवर। एक सुबह माँ अपने सोते हुए बेटे को उठाने पहुंची। माँ ने कहा, उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? बेटा, नहीं माँ, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। माँ, ये कोई बात नहीं, मुझे कोई दो वजह बताओ जो स्कूल नहीं जाना चाहते। बेटा, सब मुझसे स्कूल में नफरत करते हैं, सब टीचर्स भी। माँ, छोड़ो ये सब बहानेबाजी, स्कूल के लिए फौरन तैयार हो। बेटा, अच्छा माँ, तुम दो वजह बताओ कि मुझे क्यों स्कूल जाना चाहिए। माँ, पहला अपनी जिम्मेदारी समझना सीखो, अब तुम 52 साल के हो, और दूसरा तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। देश तामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देश तामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।